नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सुजीत, आप ही की तरह एक कॉमन साइंस स्टूडेंट, और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज यूनिट के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हमने सीखी थी। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हें हमने फिजिकल क्वांटिटीज कहा था। ठीक है, हमने उसमें एग्जांपल्स देखे थे, लेंथ, मास, टाइम, प्रेशर, फोर्स, वॉल्यूम, और वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करेंगे, नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे, और यूनिट को हम यू से डिनोट करेंगे। हमने कुछ एग्जांपल देखे थे जिसमें बात करी थी मास इज इक्वल टू 2 kg, लेंथ इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू 1 वीक। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो रेड अक्षर में हम देख पा रहे हैं जैसे कि नंबर्स है, और बाजू में हम हरे अक्षरों में जो देख पा रहे हैं उसे हम यूनिट कहते हैं। बट यूनिट के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है हमें, जो हमें 11th 12th साइंस के अंदर हमें मदद करने वाला है। हमने देखा था कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्योर नंबर होता है, ये हम ऑलरेडी जान चुके थे। तो हमने कहा था कि कोई भी नंबर हो, चाहे कैसा भी हो, प्योर नंबर मतलब मैग्नीट्यूड। लेकिन यूनिट क्या है? यूनिट मैग्नीट्यूड नहीं है, यूनिट प्योर नंबर नहीं है, बाकी का जो बच जाता है वो है यूनिट। तो यहाँ पर केजी यूनिट है, यहाँ पर किलोमीटर यूनिट है, और यहाँ पर वीक यूनिट है। अब जो एग्जांपल हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो एग्जांपल समय से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आई विल रिटर्न योर मनी इन अ ईयर 12 मंथ्स, 52 वीक्स, 365 डेज। ये सब हमारे सामने लिखा हुआ है। ये चार फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने लिखी है, 1 ईयर, 12 मंथ्स, 52 वीक्स, 365 डेज। अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ बढ़ रहा है तो सामने कुछ ना कुछ घट रहा है, ऐसा हो रहा है। जैसे कि 1 ईयर, तो 1 तो एक छोटा नंबर है, लेकिन उसके पीछे जो यूनिट लगाया गया है ईयर, वो एक बड़ा यूनिट है। फिर अब देख पाते हैं कि 12 मंथ्स, तो उसमें जो नंबर 12 है वो पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ गया है, बट जो अब ये यूनिट मंथ्स है वो ईयर के मुकाबले छोटा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 52 वीक्स, तो 52 वीक्स में 52 जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ चुका है, तो सामने जो उसका यूनिट है वीक्स वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और अब हम 365 डेज बोलते हैं, तो देखिए वहाँ पे डेज जो है वो और भी छोटा यूनिट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड को बढ़ाना पड़ा। अगर हम कंपेयर करें तो ये सारे के सारे, अगर हम कंपेयर करें तो ये सारे के सारे एक ही है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, 52 वीक्स, 365 डेज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि N1U1, N2U2, N3U3, NU, सब जो भी है ये सब लोग सेम है। मतलब कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है, जो चीज़ की बारे हम बात कर रहे हैं उतने ही समय मिलेंगे, उतने ही टाइम मिलेगा हमें, उतने ही दिन मिलेंगे, महीने मिलेंगे, हफ्ते मिलेंगे या साल, समझ रहे हैं आप। दोस्तों यूनिट जो है वो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। दोस्तों हम कहीं पर भी जाए तो हम दूध लीटर्स में मांगते हैं, ठीक है, हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि 1 फुट दूध दे दो, ठीक है, या फिर हम ऐसा नहीं बोलते 1 किलो दूध दे दो। तो जो भी चीज़ें हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यूनिट लगाना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेंथ, तो लेंथ के लिए हम मीटर को यूज़ कर सकते हैं, मास के लिए हम किलोग्राम को यूज़ कर सकते हैं, टाइम के लिए हम सेकेंड को यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर को यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन को यूज़ कर सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला को यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों शायद आपको ऐसा टेंशन आ रहा होगा कि मुझे यूनिट्स कैसे याद रहेंगे, कैसे पता चलेगा। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर, आपकी चैनल के ऊपर वीडियोस रहेंगे, उसमें मैंने बताया होगा हमेशा कि यूनिट्स इसके क्या है, CGS यूनिट्स, SI यूनिट्स, सबके बारे में बातें की जाएगी, वैसी प्लेलिस्ट रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं अच्छी से अच्छी प्लेलिस्ट आपके लिए बनाता हूँ, उसे चेक ज़रूर करिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट के बारे में। तो क्या अगर साइंटिस्ट का नाम दिया गया हो, अगर उस मतलब यूनिट अगर हमारा जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे से हो, तो क्या हमें उसका नाम इंग्लिश में जैसे रूल है फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना होता है, क्या हमें वो फॉलो करना चाहिए? तो जी नहीं, साइंस में ऐसा करना नहीं होता है। इसलिए न्यूटन, केल्विन और एम्पियर कैसे लिखे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
जी हाँ, हमें फर्स्ट जो लेटर है उसे हमें स्मॉल रखना है, ठीक है, कैपिटल करना नहीं है। दोस्तों, अगर हम किसी यूनिट को सिंबल से डिनोट करते हैं और खाली एक ही लेटर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटन के लिए मैं एन लिखता हूँ, तो वो एन मुझे कैपिटल करना होगा। अगर मैं केल्विन के लिए के लिखता हूँ, तो वो मुझे के कैपिटल करना होगा। अगर मैं एम्पियर के लिए ए लिखता हूँ, तो वो मुझे कैपिटल करना होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ये बहुत ही कॉमन बात है, सबको पता ही होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम के बारे में, बट हम यहाँ पे आज बेसिक बेसिक रखने वाले हैं। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम्स जो है वो है SI, MKS, CGS, FPS। SI का जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, MKS का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का जो फुल फॉर्म है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का जो फुल फॉर्म है वो है फुट पाउंड सेकेंड। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही मिलते रहिएगा। रीड बिफोर यू नीड, इफ यू डोंट रीड यू डोंट गो हाई। UCSS लेटर गाइस।